नमस्कार भाई लोग, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और बहुत दिन हो गए थे कि आप लोग को इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम था उसका कोई अपडेट नहीं मिला है, और बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये वीडियो पूरा उसी के लिए है। छोटा सा अपडेट दूंगा मैं आपको कि रिज़ल्ट कब आएगा और आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना यार, प्लीज़। समझते ही हो, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखो, अभी अभी मैंने सब कुछ पता किया है, अब थोड़ा सा रिसर्च किया है, चीज़ों से बात की है लोगों से, तो ये पता चला है कि रिज़ल्ट मई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आने के कंप्लीट चांसेस है। मतलब मई 15 तारीख से पहले पहले रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि मई के 15 तारीख से पहले पहले रिज़ल्ट आपका IBSC का आ जाएगा। इसमें ये कंफर्म कुछ नहीं हो पाया कि कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम पहले हुआ था तो कोई कट ऑफ नहीं आई थी, लेकिन उस समय चीज़ें अलग थी, इस बार चीज़ें अलग हैं। इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो हो सकता है कि कट ऑफ भी निकले, मुझे पता नहीं है। लेकिन उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जितना कट ऑफ मैंने आपको बताया है कि UR के लिए 65 अराउंड और 65+ होना चाहिए, OBC के लिए 60+ होना चाहिए, EWS के लिए 58-60 के आसपास होना चाहिए, और ST SC और एक्स सर्विस मैन वाले जो हैं वो 45 और 50+ हैं, तो अपने आप को समझ सकते हैं कि ठीक चल रहा है। ठीक है, तो वो लोग अपनी तैयारी करनी है। अब करना कैसे है तैयारी, भाई अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट जल्द जैसे ही आएगा उसके अगले 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपका Tier 2 हो जाएगा, और Tier 2 बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे देखने में आसान लगता है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाके Tier 2 को अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको 500-500 के 2 पैराग्राफ लिखने हैं, हिंदी और इंग्लिश में, और इंग्लिश से हिंदी में। मतलब समझ सकते हो कि वहाँ पर कितना टाइम लगता है। उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए जो मैंने PDF डाल रखी है ग्रुप में, आप मेरे ग्रुप में जाके जुड़ जाइए, वहाँ से PDF निकाल के उस पर प्रैक्टिस करो। इससे पहले जो वीडियो बना रखा है मैंने, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, किस किताब से करनी है, उस किताब को देखो और करो और प्रैक्टिस करो भाई। उसके बाद इंटरव्यू की भी बात आएगी। इंटरव्यू जो होगा मैं आपको बताऊंगा। इंटरव्यू के लिए नया बैच, जो तीसरा बैच स्टार्ट किया जाएगा रिजल्ट आने के बाद, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू में इनरोल होने का भी चांसेस मिलेगा। और भाई साहब एकदम अब रिजल्ट आने वाला है, तैयारी करते रहिए। Tier 2 जल्दी से करिए, क्योंकि Tier 2 क्वालिफाई होंगे तभी आपको Tier 3 मिलेगा या फाइनल रिजल्ट तक आप पहुँचेंगे। Tier 2 क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो आप फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो भैया, और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस पे रिजल्ट बनेगा आपका, तो Tier 1 पे और Tier 3, मतलब कि इंटरव्यू, इन दोनों का मार्क्स जोड़ के ही आपका रिजल्ट बनेगा। तो इन सब बातों के चक्कर में मत रहो, अब अपनी तैयारी पर ध्यान दो। रिजल्ट आने वाला है जल्दी ही, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।